नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो भाई आज अपने सामने एक बढ़िया सी इंडिया की बेस्ट सेलिंग हैचबैक और ये भी है अपनी बढ़िया सी मारुति डिज़ायर, जिसको आप एक अच्छे खासे सेडान के रूप में देखते हैं इंडिया में। दोस्तों गाड़ियों के सेल्स नंबर काफ़ी अच्छे हैं दोनों के। इनफैक्ट मैं स्विफ्ट की तारीफ करना चाहूँगा कि भाई 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आती है इसमें, मारुति को हैट्स ऑफ इसके लिए। लेकिन ये मैं कोस नहीं रहा हूँ भाई स्विफ्ट ओनर्स को, लेकिन जो एक्चुअल में ग्लोबल एनकैप की रेटिंग आई है भाई वो आपके ठीक सामने है भाई। तो मैं आज इन दोनों गाड़ियों का एक बढ़िया सा कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि एक तरफ है अपनी मारुति स्विफ्ट और एक तरफ है अपनी मारुति डिज़ायर। दोस्तों प्राइस पॉइंट की बात करें ना तो ज़्यादा प्राइस पॉइंट का डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है भाई। प्राइस पॉइंट का करीब 50,000 या 60,000 रुपये की डिफरेंस आ जाती है अगर इसके VXI मॉडल की बात करें और इसके VXI मॉडल की बात करें, मतलब डिज़ायर का आपको जो VXI मॉडल है वो करीब 8,10,000 का पड़ेगा, वहीं इस गाड़ी का जो VXI मॉडल है वो आपको करीब 7,50,000 का ही पड़ जाता है भाई, विदाउट एनी एसेसरी और केवल जो है ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं। और भाई अपनी बातचीत करी जाए तो लेंथ की बात करें तो भाई डिज़ायर थोड़ी सी ज़्यादा लंबी आ जाती है, विड्थ के मामले में दोनों ही गाड़ी मेरे हिसाब से थोड़ी बराबर है और यहाँ पर डिज़ायर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एल्यूरिंग लगती है भाई, क्योंकि इस गाड़ी में जो है आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी 50 या 60,000 के डिफरेंस में एक तो बड़ी भी है भाई VXI मॉडल से मैं अगर कंपेयर करता हूँ, प्लस गाड़ी में और भी इंटीरियर चेंजेस है जो आपको स्विफ्ट में कतई नहीं मिलते हैं जबकि इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो भाई इंटीरियर की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरुआत करी जाए ना भाई अपन लोग, तो आप देख सकते हो क्या ही बढ़िया इसमें की मिलती है VXI मॉडल में। और सेम मॉडल में आपको VXI इसमें मिल जाएगी कीलेस एंट्री का ऑप्शन, लेकिन जो आप ये वाला मॉडल देख रहे हो ये LXI मॉडल है जिसमें आपको ये चीप सा इंडिकेटर जो है वेंडर पे मिल जाता है और ये ORVM ये डंडी वाला फीचर होगा आई थिंक सो, नो नॉर्मली है, जबकि इसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVM मिल जाते हैं। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, बटन आपको हाँ बिल्कुल दे रखा है भाई। और बाकी अब एक्सटीरियर की और भी बात कर लेते हैं ना, तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको बढ़िया से हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, द लाइट्स आर क्वाइट सिमिलर, बट जो फ्रंट है भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है इंक्लूडिंग द स्विफ्ट का, क्योंकि बहुत ही एक तो अच्छा सा इसमें कॉम्बिनेशन दे रखा है ग्रिल का, बहुत ही हनीकॉम्ब वाली ग्रिल और बीच में क्रोम का फिनिश। और वहीं इस गाड़ी की अगर बात करें ना तो बीच में ही बस हल्का सा यहाँ पे इतना बहुत ही स्पोर्टी चीज़ नहीं आती है, जबकि इसको लेना बहुत ही एक स्पोर्टी चॉइस बन जाता है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल जो चॉइस बनती है अपनी तो स्विफ्ट डिज़ायर बनती है भाई, क्योंकि इसकी सीट्स का आराम बहुत अच्छा है, रियर सीट्स का आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। प्लस अभी रियर सीट्स की बात करते हैं ना तो आप देख सकते हो इसका एक बार अनलॉक करें तो भाई रियर सीट्स में आपको देख सकते हो रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं, जबकि भाई अपना स्विफ्ट के मॉडल्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी भाई, नॉर्मली है और एक्सेसरी वगैरह इस गाड़ी में पड़ी हुई है। 4 पावर विंडोज VXI वेरिएंट में आते हैं, LXI में नहीं आते, बट LXI बेस मॉडल में भी ना भाई ये काम ज़रूर करा सकते हो इन शोरूम, क्योंकि हमने 2-3 कस्टमर से मिले हैं तो वो क्या करते हैं LXI स्विफ्ट को लेके भाई, तो अपना जो है 4 पावर विंडोज इस गाड़ी में इंस्टॉल हो जाते हैं, वो भी मारुति के ही जो है अरीना शोरूम में। तो भाई ये सब थे अपने से एक्सटीरियर के खासे अच्छे डिफरेंस जो आप देख सकते हो भाई। डायमेंशंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे ज़रूर देख सकते हो, बाकी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइसेस भी आप अपनी स्क्रीन पे ज़रूर देख सकते हैं भाई। और बाकी अब इस गाड़ी की भी बात कर ली जाए तो भाई इसके जो डायमेंशंस हैं इस गाड़ी से तो छोटे हैं, मैंने आपको बता दिया था। हाइट दोनों की मेरे हिसाब से सिमिलर है, देर इज़ नॉट अ मच डिफरेंस, बाकी इस गाड़ी में थोड़े बहुत एक्सेसरीज वगैरह लगी हुई है जबकि इस गाड़ी में कतई नहीं लगी है। और अब बैक प्रोफाइल की बात कर ली जाए ना भाई तो यहाँ आप देख सकते हो कितना ही बढ़िया लुक आता है भाई। स्विफ्ट का जो है 4 पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में भी दिए गए हैं आपको इंक्लूडिंग स्टॉप माउंट लाइन जो आपको यहाँ मिल जाता है भाई। ग्लास एरिया इस गाड़ी के बहुत बढ़िया और बहुत ही बड़े बड़े हैं, जबकि इस गाड़ी के थोड़े से छोटे छोटे हैं, और वो आपकी चैती गाड़ी भी खड़ी है भाई मारुति अर्टिगा। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बुरी बात होगी भाई, टायर साइज़ की मैं आपको जो है बताना भूल गया भाई, तो टायर साइज़ की भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 165/80R14 का टायर है, जबकि डिज़ायर में आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा भाई R14 का ही है, 165/80 मतलब सेम टायर प्रोफाइल है। सॉरी भाई मैंने देखा नहीं, यहाँ पे ब्रिस्टन का टायर पड़ा है तो इसमें JK का है, ये वाला टायर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है भाई,
ब्रिस्टन का एक ओपी अपनी अर्टिगा में भी आता है, वो कतई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इन कंपेरिजन टू जेके। तो अब चलते हैं मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर के बढ़िया से इंटीरियर्स में भाई। तो भाई VXI मॉडल में सब कुछ मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील, क्रोम का फिनिश और MID वगैरह आपको बढ़िया से यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। हाइब्रिड सिस्टम आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा जैसा आपको अपने अर्टिगा वाले मॉडल्स में देखने को मिलता है भाई। तो पावर विंडोज़ को यहाँ पे आप देख सकते हो, वन टच डन डाउन फंक्शन के साथ है, वन टच अप फंक्शन के साथ नहीं है। और इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग RPMs आपको VXI वेरिएंट में ही मिलते हैं भाई। VXI मोस्ट सेलिंग गाड़ी, एक मोस्ट सेलिंग वेरिएंट बन जाता है क्योंकि इस गाड़ी में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो भाई आ गए हैं ऑल न्यू मारुति डिज़ायर के इंटीरियर्स में भाई। तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग आप देख सकते हो इस गाड़ी में, वो तो आपको हालांकि स्विफ्ट में ही मिलता है। बट जो मेजर डिफरेंस है ना भाई, वो मुझे एक तो डैशबोर्ड, ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लगती है जबकि वो मुझे थोड़ी सी छोटी सी लगती है भाई। बाकी चलाने में नहीं, स्विफ्ट का जो है ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा अलग है भाई। इस गाड़ी में आपको पूरा सेडान वाला फील आएगा लेकिन उस गाड़ी में जो है अच्छा खासा बिल्कुल हैचबैक वाला ही फील आता है भाई। और वो आप देख सकते हो ऑल न्यू मैग्मा ग्रे कलर भाई, ये अपन को नहीं मिला ना, ये ZXI प्लस मॉडल है जो आप देख रहे हो, ठीक लग रहा भाई। तो ओवरऑल नीचे आपको दो कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं भाई, और आप देख सकते हो सेम वैसी चीज़ें हैं ब्लैक कलर में और क्रोम का एसेंट। बट जो मेजर यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल टोन का फिनिश, जो कि आपको उस गाड़ी में नहीं मिलेगा। इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है भाई, ये सब वुडन का जो आपको फिनिश मिलता है ना काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और वैनिटी मिरर आपको इस साइड मिल जाएगा, इस साइड टिकट होल्डर सेम एज इट इज़ हमने और भी देखे, लेकिन रूफ लाइट्स काफ़ी बढ़िया हैं, दो दो रूफ लाइट भाई दे रखी हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से स्विफ्ट में आपको एक ही जगह देखने को मिलेगी, और मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील भी सब कुछ है, मतलब किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं करी गई है भाई। थोड़ा सा प्रीमियम टी वाला फील इस गाड़ी में आराम से आ जाता है भाई। और रियर सीट्स की तरफ भी ज़रूर चलते हैं, गाड़ी के एसी को ऑन ही छोड़ देते हैं भाई। तो भाई फुल पे जो एसी की फैन स्पीड है ना काफ़ी बढ़िया है, और चलते हैं रियर सीट्स की तरफ। तो भाई हम लोग आ गए हैं रियर सीट्स में। तो भाई जो इसके रियर एसी वेंट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो भाई पीछे जो है आपको बहुत ही स्पेशल सा फील होगा, आप देख सकते हो क्या ही बढ़िया लेग रूम आ रहा भाई, और रियर सीट्स का आर्मरेस्ट भी मिल जाता ना, तो ये आप देख सकते हो पन्नी चढ़ी हुई है तो मैं निकाल नहीं पा रहा। बाकी मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये आपको यहाँ पे जो है बढ़िया सा दे रखा है। और ग्लास एरिया इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है भाई। ये अगर सेडान है ना तो कंपनी ने बहुत अच्छी सेडान बनाई है अपने सेगमेंट में, मेरे हिसाब से ऑरा से भी इसका एक बार हमें कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए, वो भी करेंगे। लेकिन जो है इस गाड़ी में बैठने का फील काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू स्विफ्ट। बाकी सेम एज इट इज़ आपको जो है डुअल टोन का फिनिश जैसा फ्रंट मिलता है वैसा यहाँ पर भी मिल जाता है भाई। और जो डिज़ायर का अपना एसी है वो भी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है, कोई कमी नहीं है भाई। तो भाई गाड़ी को जो है अपन लोग बंद कर देते हैं। तो ये बात होगी अपनी जो है मारुति की डिज़ायर की। अब चलते हैं स्विफ्ट की तरफ भाई, चाबी मैं भूल गया। तो भाई स्विफ्ट की तरफ अपन लोग चले ना। तो भाई स्विफ्ट का जो इंटीरियर है अच्छा है, लेकिन ये LXI बेस मॉडल है तो थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करना कठिन हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरा ब्लैक इंटीरियर आप इस गाड़ी में देख सकते हो भाई। LXI बेस मॉडल में आपको जो है कहीं पावर विंडोज़ नहीं आते भाई, ये सब आपको जो है इन शोरूम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसके VXI वेरिएंट में भी आती है, और यहाँ पे नॉर्मल सी आपको MID देखने को मिलेगी। इस गाड़ी का इंटीरियर ठीक है, और सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी वही चीज़ जो गियर नॉब और आपको कप होल्डर्स मिलते हैं इस गाड़ी में मिल जाते हैं अगर आप इसका VXI वेरिएंट लेते हैं। बाकी भाई रियर सीट्स की बात हम लोग ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी में एक्सेसरीज रखी हुई है, अब बोला है तो हम लोग ज़रूर करके दिखाएंगे भाई कि रियर सीट्स इस गाड़ी की कैसी हैं। तो भाई बैठने के बाद जो फील आता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा सा फील होगा, हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल नहीं आते हैं LXI में, और ये भी आपको जो है फिक्स्ड ही है। तो बूट स्पेस की भी अभी ज़रूर बात करते हैं भाई, तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस आ रहा है भाई। तो ठीक है, ओवरऑल मारुति की स्विफ्ट थोड़ी सी छोटी है, और रूफ लाइट मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक ही मिलेगी आपको, दो नहीं मिलती हैं भाई। अब बूट को ओपन करें ना,
तो भाई अपन को आगे ही से ओपन करना पड़ेगा। तो भाई दोनों ही गाड़ियों के बूट आपको ओपन करके दिखाते हैं बकायदा। तो भाई ये अपना स्विफ्ट का बूट स्पेस, और इस गाड़ी का भाई ओपन नहीं हो रहा है। ये अपना डिजायर का बूट स्पेस। अरे तो भाई आप देख सकते हो क्या ही बूट स्पेस का आपको यहाँ पे अंदर देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। सच में अपने सेगमेंट में के हिसाब से बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट है, लेकिन डिज़ायर में भाई अगर आप सिलेंडर भी लगा देते हो ना तो इसके पास भी बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस मिल जाएगा। अपनी स्क्रीन में आप एक्चुअल जो है इसकी चीज़ें देख सकते हो भाई। तो ओवरऑल ये है अपना फुल कंपेरिजन बिटवीन द ऑल न्यू मारुति डिज़ायर वर्सेज ऑल न्यू मारुति स्विफ्ट। तो भाई वीडियो को जो है एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये था अपना एक एक्सटीरियर इंटीरियर और सबका चीज़ों का डिफरेंस। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।